हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल हाथ का हुनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये दो रंग का डिजाइन बनाकर लाई हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, बच्चों का बेबी सूट बना सकती हैं। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन है और चार के मल्टीपल फंदों में लेना होता है, चार 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 करके, और दो फंदा एक्स्ट्रा ले ताकि ये डिजाइन एडजस्ट कर जाए स्वेटर में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने चार के मल्टीपल में 16 फंदे और दो फंदा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसे दो सिलाई सीधा उल्टा बुन लेंगे, एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा। इस तरह से एक सिलाई मैं सीधा पहले बुन लेती हूँ। देखिए, एक सिलाई सीधा सीधा मैंने बुन लिया है। अब एक सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। दो सिलाई सीधा उल्टा बनाना है, उसके बाद डिजाइन बनेगा। दो सिलाई सीधा उल्टा, उसके बाद दो सिलाई में डिजाइन बनेगा। एक सिलाई उल्टा उल्टा और बुन लेती हूँ। देखिए, दो सिलाई मैंने सीधा उल्टा बुन लिया है, एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे और इसके लिए दूसरे कलर का यूज करेंगे। एक फंदा बगैर बुने हुए पहले उतार ले, उसके बाद दूसरा कलर डाले, ऐसे लगाते हुए एक सीधा बना ले और तीन सीधा यहाँ पे बनाना है। तो एक सीधा नॉर्मल बना ले और दूसरे फंदे में इस तरह से देखिए दो बार लपेट कर इसे बुने और एक फंदा और फिर नॉर्मल बुने। यानी कि तीन फंदा बनाना है, एक फंदा नॉर्मल, दूसरे में दो बार लपेटना है और तीसरा फिर नॉर्मल बनाना है। तीन फंदा हम पिंक से बनाएंगे और एक फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे बगैर बुने हुए। फिर से हम इसमें बुनेंगे तीन फंदा, एक फंदा नॉर्मल और एक फंदा में इस तरह से दो बार धागा को लपेटेंगे। फिर एक नॉर्मल बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदा मैंने बुन लिया, एक फंदा नॉर्मल, एक फंदा में दो बार लपेटना है और एक फंदा फिर नॉर्मल, तीन फंदा और एक फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे बगैर बुने हुए उतार लेंगे। फिर देखिए, तीन फंदा को पिंक से बनाते हैं, ये दो बार लपेट के दूसरा वाला, तीसरा वाला भी साधारण। फिर से एक फंदा इसे स्लिप करेंगे और तीन फंदा को हम पिंक से बनाएंगे। एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और एक फंदा को लास्ट में पिंक से बना लेंगे। ये देखिए, डिजाइन का फर्स्ट रो हो गया। जैसा कि मैंने बताया, दो सिलाई का डिजाइन है, इसमें दो रो ही बनता है। देखिए, अब हम उल्टे में भी ध्यान देना है। उल्टे में क्या करना है, ये एक फंदा बुन लिया, इस फंदे को बगैर बुने हुए उतार ले, ग्रे वाला को, और ये तीन फंदा इस तरह से सिलाई पर खोल के ले ले और तीनों को पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई डालते हुए इसे बुन ले। एक बार बुन लिया, एक बार इस तरह से फंदा चढ़ा ले, दो हो गया, और फिर से इसे बुन ले तीन फंदा। यानी कि मैंने तीन फंदा इसमें लिया था, तीनों का तीन फंदा निकाल लिए, एक दो तीन। देखिए, तीन फंदा का तीन फंदा बनाना है। फिर से ये स्लिप कर ले ग्रे वाला और इसे तीनों को इस तरह से सिलाई पर ले और इस तरह से पीछे से सिलाई डालते हुए इसे उल्टा बुन ले। एक बार इस पर फंदा ऐसे चढ़ा के दूसरा फंदा डालें और फिर से इसी को इस तरह से बुन लें। देखिए, तीन का तीन बन गया। तीन फंदा का हमें तीन फंदा बनाना है और इसे स्लिप करना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। एक बार बुनेंगे, दूसरी बार इस तरह से चढ़ाएंगे, तीसरी बार फिर बुन लेंगे। ये तीन फंदा का तीन फंदा निकल गया। एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदा को इसी तरह से हम बना लेंगे। एक बार धागा को इस तरह से लपेटेंगे और इसे बुन लेंगे। अब इसे भी हम बगैर बुने हुए उतार लेंगे। अब देखिए, ये डिजाइन, दो रो डिजाइन मैंने बना लिया, ये दो रो का डिजाइन है, बस इतना ही डिजाइन बनाना है। अब फिर से हम यहाँ पे दो सिलाई हम ग्रे से सीधा उल्टा बुनेंगे। तो सीधा एक सिलाई हम बना के दिखाते हैं, फिर से सीधा उल्टा दो सिलाई बनाना है।
बस इसी तरह से सीधा सीधा बुनते जाए सारे फंदे को। ये एक सिलाई सीधा सीधा बुन लिए, अब हम उल्टे में भी एक सिलाई उल्टा उल्टा बना लेंगे। दो सिलाई सीधा उल्टा बनाना है, उसके बाद दो सिलाई का डिजाइन बनाना है। इसी तरह से पूरा डिजाइन बनता जाएगा। इसके बाद भी यही डिजाइन बनेगा, लेकिन जगह चेंज करना होगा, इसके लिए मैं बता रही हूं आगे। वीडियो को देखते रहिए। देखिए फ्रेंड, दो सिलाई उल्टा उल्टा सीधा मैंने बुन लिया। पहले सीधा एक सिलाई, फिर उल्टा एक सिलाई, दो सिलाई बन गया। अब हम यहाँ पे पिंक से डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले हम दो फंदा पिंक से बना लेंगे। दो फंदा पिंक से बना लिया। अभी इस फंदे को, ये पिंक वाले के बीच वाले फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे। और यहाँ ये देखिए, दो फूल के बीच में फूल बनाना है, तो दो फूल के बीच वाले तीन फंदे को हम पिंक से बनाएंगे। एक, दूसरा को दो बार लपेट कर, तीसरा को नॉर्मल। देखिए दो फूल के बीच में ये फूल बन रहा है, बस यही चेंज करना है। वैसे सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन है, बस दो, ये सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन है। दो सिलाई सीधा उल्टा बनाए, फिर दो सिलाई से डिजाइन बनाए, फिर दो सिलाई सीधा उल्टा बनाए, फिर दो सिलाई से डिजाइन बनाना है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार जगह चेंज कर देना है, ये दोनों फूल के बीच में फूल बनाना है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा कैसे बनाना है। एक फंदा को स्लिप कर लेना है, ये फूल के बीच वाला फंदा को, और तीन फंदा को इस तरह से बुन लेंगे, एक नॉर्मल सीधा और दूसरी बार को दो बार लपेट कर फिर एक नॉर्मल सीधा बुन लेंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर इसमें दो बार लपेटेंगे, फिर सीधा बुनेंगे पिंक से, फिर एक फंदा को स्लिप कर लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। बस वही डिजाइन बनाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन है, बहुत ही आसान डिजाइन है। तीनों फंदा को सिलाई पर ले लेंगे और इसे तीन, इससे तीन फंदा हम निकालेंगे। एक फंदा निकाला, दूसरी बार लपेट कर तीसरा फंदा को बुन लिया। देखिए तीन फंदा का तीन फंदा मैंने बना लिया। अब इसे स्लिप कर लेंगे ग्रे वाला को, फिर से तीन फंदा, इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। सिर्फ दो रो का डिजाइन है, इसलिए बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चों के स्वेटर में बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऐसे माने तो आठ रो का डिजाइन है, लेकिन सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन आपको बनाना सीखना होगा। बस इसे आठ रो में आप जगह चेंज करके बना लें। तो इस तरह से बनाते बनाते जिस तरह से दिखने लगेगा डिजाइन। अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके और आप देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।